ese dembow. HBCS स्टेडियम क्यों देखो भाई, क्या स्टेडियम है, इसका एक बार व्यू चेक करो। Hey guys, what's up? I hope you guys are doing well. आज आपको पता ही है कि आज है बहुत बड़ा दिन मेरे लिए और मैंने पहन रखी है रोहित शर्मा की जर्सी जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था और आउटफिट रेडी है। मैं पहली बार जा रहा हूँ धर्मशाला में मैच देखने के लिए और ये था हमारा रूम टूर। देखो यहाँ पे हम सोए थे, ये था हमारा होम स्टे, ये था हमारा किचन एरिया और यहाँ पे रात को हम बॉनफायर कर रहे थे यहाँ पे इस जगह पे रात को और डिस्कस कर रहे थे शार्दुल ठाकुर अच्छा प्लेयर है कि नहीं है। बाकी भाई एक बार व्यू चेक करो, वहीं कहीं पर स्टेडियम भी है, उस साइड हम जा रहे हैं मैच देखने के लिए। मैं उतर हूँ रेडी, अब टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता क्योंकि मैच मेरे को स्टार्टिंग से देखना है बिल्कुल उस स्टेडियम में। तो हम स्टेडियम आ गए हैं, एटमॉस्फेयर यहाँ पे इतना अच्छा हो रहा है ना, इलेक्ट्रीफाइंग। आप अगर देखोगे ना पूरा हर जगह है, पूरे हर कोई जर्सी में आके घूम रखा है। मैं तो आज रोहित शर्मा की पहन के आया हूँ, आज मैं रोहित शर्मा को सपोर्ट करने वाला हूँ। बाकी मैंने एक स्पेयर जैकेट रख ली थी क्योंकि कल शाम को ना यहाँ पे एकदम से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। एक बार स्टेडियम में एटमॉस्फेयर चेक करो, कहीं पर भी इंडिया में मैच हो एटमॉस्फेयर ऐसे ही रहता है। अभी स्टेडियम हम पहुंचे भी नहीं है, काफ़ी दूर है स्टेडियम, वहाँ है दूर, अगर आपको रेड कलर हाउस दिख रहा हो तो वहाँ पे है रेड साइड। कुछ न्यूजीलैंड के फैंस भी आ रखे हैं। भाई मेरे साथ विराट कोहली भाई मिल गए मैच से पहले। विराट भाई शतक चाहिए आज जरूर यार, और न्यूजीलैंड इतनी अच्छी टीम है, मतलब भारतीय आ रही है, मतलब इंडिया तो वर्ल्ड कप में बिल्कुल भाई जिताना है आज आपको शतक चाहिए। रोहित आपका भाई ये रहा साथ आ रखा है, देखती चेक करो भाई एक बार व्यू देखो इस ग्राउंड का, क्या व्यू है भाई। इस स्टेडियम में आने के लिए कब से पागल हो रहा था, आज फाइनली मेरे को मौका मिल गया है स्टेडियम में आज जाने का। ये रही हमारी टिकट्स और ये लगे हम लाइन पे, लगता है किसी हिल स्टेशन पे घूमने आए हैं और ये देखो लाइन लग रही है स्टेडियम की। ये यहाँ पे नेट से यहाँ पे प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे कल। बाकी ये रहा स्टेडियम हमारे सामने, अंदर के व्यू का मैं वेट नहीं कर सकता, इतने टाइम से वेट किया है उस व्यू का। ये रहा स्टेडियम, ये लग रही फाइनल लाइन, इसके अंदर है धर्मशाला HBCS स्टेडियम। देखो देखो इंडियन टीम और न्यूजीलैंड की टीम पूरी यहाँ पे बैठ खड़ी हुई है, पहचान लो आप इसके स्टार्ट को पहचान सकते हो। गाइस इंडियन टीम आ रही है न्यूजीलैंड की एंथम के लिए, अपने अपने सारे प्लेयर्स देख लो, चेक करो। विराट कोहली ये दिख गया, न्यूजीलैंड का नेशनल एंथम चल रहा है अभी। उज्जल जल तरंगा यार, एटमॉस्फेयर चेक करो यहाँ पे कितना अच्छा हो रखा है, क्या एटमॉस्फेयर है भाई। इंडिया इंडिया, अब देखो ये फ्लैग्स ऑफ ही चले जाएंगे, अब देखो ये सारे फ्लैग्स हमेशा की तरह वापिस चले जाएंगे अंदर। ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जा रही है, अभी तो ये जा रही है बट कुछ टाइम बाद इंडिया में वापिस आएगी है अभी। आज मैं हार्दिक पंड्या को बहुत मिस करने वाला हूँ, वरना वो यहाँ से हमेशा सबसे आगे बढ़ता था, तब तक ना वो पिच में होता। सुधीर भाई भी आ रखे हैं, उस दिन हमें बस में लेते थे तो भाई विराट कोहली को फिर से देखने को मिल गया, कितना लकी हुआ है मैं इस बंदे को देखने के लिए यार, कल दिखा था कैश। गाइस पहली बॉल होने वाली है और एटमॉस्फेयर देखो, बूम बूम बूमरा चल रहा है यहाँ पे, आई होप ये पहली बॉल पे विकेट निकाले भाई। पर ये मैं विराट कोहली को देखूं या ये वादियों को देखूं भाई, क्या देखूं यहाँ पे, आज समझ नहीं आ रहा। शेट यार क्या व्यू है भाई,
एक बकेट लिस्ट में सपना था इस स्टेडियम में मैच देखने का, आज जो पूरा होने जा रहा है मेरा। फर्स्ट बॉल विकेट ले फर्स्ट बॉल पे। पहला विकेट इंडिया ने ले लिया। जडेजा ने कैच करा बहुत तगड़ा यहाँ पे। एटमोस्फेयर चेक करो यहाँ का। भाई इनकेस अगर कोई मैच देखने आने का प्लान ना रहा है ना, बता रहा हूँ सबसे अच्छा व्यू है ना वो जहाँ पे हम अभी बैठे हैं ना उसी जगह का है। हम जिस स्टैंड पे बैठे हैं उस स्टैंड का नाम है वेस्ट स्टैंड 3 और यहाँ से ना सबसे अच्छे पहाड़ों का व्यू आता है। एक बार आप चेक करो, जैसे माउंटेन रेंजेस है ना जो यहाँ से स्टार्ट होती है और सिर्फ ये पूरे स्टेडियम में नहीं है, सिर्फ यहीं पे आके खत्म हो जाती है इस जगह पे आके। हमारे पीछे कोई माउंटेन नहीं है इसलिए अगर आप देखो ना ये एंगल एक ऐसा है ना स्टैंड का जो यहाँ पे पूरा कवर कर रहा है। तो वेस्ट स्टैंड 3 की टिकट लेना अगर आप नेक्स्ट टाइम आते हो, वरना किसी भी स्टैंड से ना कोई माउंटेन जरूर छूटेंगे बट यहाँ से कोई माउंटेन नहीं छूट रहे। विराट भाई के कहने पर रिव्यू ले लिया रोहित शर्मा ने, अब देखते हैं आउट होगा नॉट आउट होगा। देखते हैं आउट होगा नॉट आउट होगा। नॉट आउट विराट भाई क्या कर दिया, यही खुश है वो स्टेडियम में नॉट आउट होने के बाद। आज तक मैंने जितने भी ग्राउंड्स में मैच देखा है ना ये ग्राउंड सबसे छोटा होने वाला है। ये लिटरली मेरे स्कूल के ग्राउंड जितना है। ये वैसा लग रहा है ना मैं पर्सनली यहाँ पे छक्के मार सकता हूँ। फोटो में कितना दिख रहा है बट ये लिटरली बहुत छोटा स्टेडियम है, बहुत छोटा स्टेडियम है ये। क्रिकेट बॉल पे क्या होगा डिफेंस, बट ऑब्वियसली मेरे स्कूल में ऐसा व्यू तो नहीं था, कहीं पे भी नहीं था इनफैक्ट। बट लिटरली ये बहुत छोटा ऐसा लग रहा है ना, विराट इतने पास है ना, हमारे सारे पास ही बैठे हुए हैं, इतना मजा आ रहा है। शम्मी भाई को भी ऑल मिल गई है, बहुत टाइम बाद वो खेल रहे हैं। आज देखना मेरे को लग रहा है 5 विकेट लेंगे कम से कम। शम्मी भाई की पहली बॉल पहली बॉल पे बॉल मार दिया। 4 मैच के बाद आज खेल रहे थे शम्मी भाई। मैंने कहा था 5 विकेट लेंगे, एक तो ले लिया अब 4 और लेंगे। इनकी शक्ल देखो न्यूजीलैंड वालों की, मुंह डर गया। ऑलमोस्ट 60 ओवर होगा और एक बार रन देखो, सिर्फ 18-19 रन है। मेरे को लग रहा है आज इंडिया वन साइडेड मैच जीत जाएगी, कोई ज़्यादा टारगेट नहीं आएगा आज। कुलदीप को देखो हमारे कितनी पास फील्डिंग कर रहा है और लग रहा है मैं नीचे ही है। अगर ये एक हाई स्कोरिंग मैच होता है ना तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कम से कम ना 10-15 बॉल आने वाली है, इतनी पास है ना ये यहाँ से। और यहाँ पे प्लेयर मारते ही हैं हमेशा इनसाइड आउट है कुछ भी मारेंगे ना, इनफैक्ट एज लग के ही पीछे को आएगा छक्का। लास्ट 3rd विकेट हो गया और बहुत बड़ा विकेट है रविंद्र का। ये बंदा हर मैच चल रहा था, आज आउट हो गया लेकिन इन लोगों ने रिव्यू लिया, अभी देखते हैं। नॉट आउट हो गया, अभी अभी एक कैच छूटा और किसने छोड़ा आप सोच भी सकते हैं, जडेजा ने क्या छोड़ दिया ऐसा, तो पहली बार देख रहा हूँ मैं तो लाइफ में। अपनी गाइस फील्डिंग करने देखो कौन आ रहा है हमारे सामने, कौन फील्डिंग करने आ रहा है। अब यहाँ पे चैंट्स आएंगे हमारी भाभी कैसी हो, सारा भाभी जैसी होगी ला गया ना फील्डिंग करने। केन विलियमसन आज बेचारा इंजर्ड हो गया, आज पानी पिला रहा है भाई, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है। विराट कोहली और फील्डिंग करने चला गया, एक बार क्राउड का एटमोसफियर देखो कैसा हो गया, सारे फैंस देखो कैसे खड़े खड़े हैं, बाहर टूट टूट के आ गए हैं फैंस के। ये हर जगह होने वाला है पूरे स्टेडियम में, विराट जहाँ जहाँ फील्डिंग करने जाएगा। बाकी हमारे सामने तो शुभमन गिल फील्डिंग कर रहा है और इसको हमेशा लोग चलाए जा रहे हैं, हमारी भाभी कैसी हो सारा भाभी जैसी हो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अगर मैं पिच इन्वेट करने का सोचूं तो भाई मेरे को समझ नहीं आता क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि मेरे सामने शुभमन गिल इतनी पास खड़ा हुआ है, बस एक लाइक फेंस टापनी और शुभमन गिल ये रहा मेरे सामने, बस ये रहा एक फेंस टापनी और ये रहा शुभमन गिल मेरे सामने। फर्स्ट 6 ऑफ द मैच आ गया, उस दिन पाकिस्तान वाले मैच में तो एक भी 6 नहीं आया था पाकिस्तान की तरफ से, चलो आज इन लोगों ने मार दिया। बहुत छोटा सा ग्राउंड है, बस हल्का सा उसने ऐसे ट्रिक किया छक्का हो गया सामने। तो भाई एक और 6 आ गया, दुआ देखो पूरे स्टेडियम में कैसे उड़ रहा है। इंडिया में एक बात है छक्का कोई मारे क्राउड पूरा हर कोई चिल्लाता है, और ये भाई तो कुछ ज़्यादा ही।
भाई इस व्लॉग में ना मैं अपने आप से ज्यादा ना यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, जस्ट बिकॉज ये व्यू ऐसा है ना, अपनी शक्ल दिखाना जस्टिफाई नहीं करेगा अगर मैं अपनी शक्ल ज्यादा दिखाऊंगा, तो यहाँ का व्यू मैं ज्यादा दिखाने वाला हूँ। ये जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ना इसके पीछे अगर आप ध्यान देखोगे ना वो स्नोई माउंटेन्स है, यहाँ पे भी ना बहुत ऊपर पर यहाँ पे जगह पे आप ध्यान देखो स्नोई माउंटेन्स है, लेकिन ना ये क्लाउड के चक्कर में ना ये ढक गए हैं। अब ये मैं वेट कर रहा हूँ अगर ये क्लाउड हटते हैं ना तो इस अच्छे से पूरा व्यू दिखेगा। बाकी यहाँ पे मैंने देखा है पैराग्लाइडिंग भी होती है, आज शायद नहीं हो रही। छुट्टी हो गई रविंद्रा की, एक कैच है छोड़ दिया था जडेजा ने, दोनों प्लेयर्स की छुट्टी हो गई यहाँ पे, एक अच्छी पार्टनरशिप लग रही है। बट मैं चाहता भी हूँ एक अच्छी पार्टनरशिप लगे क्योंकि बहुत टाइम से ना लो स्कोरिंग मैच देख देख के बोर सा हो गए हैं, आज मैं चाहता हूँ 350 नंबर है और कोहली मारे 200 कम से कम। मैंने इतना चिल्ला तो दिया बट रिव्यू ले लिया है उन लोगों ने, मेरे ख्याल से बच जाएगा, बच गया। मेरे वो सुधीर भाई भी हमारे साथ ही बैठे हैं, उसने हमारे साथ दोस्त में आए थे, यहीं पे बैठे हुए हैं। आज पता नहीं कैसे यहाँ पे इतने सारे बादल आ गए हैं, अगर ये बादल नहीं होते ना इतने अच्छे माउंटेन्स दिखते, लेकिन मेरे को लग रहा है ना शायद उस साइड वहाँ कहीं बारिश हो रही होगी बहुत तेज। बहुत देर से विकेट नहीं आ रहा था, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया है यहाँ विकेट दिलवाने के लिए, और शम्मी आ गया है, अब लग रहा है विकेट आएगा इस बॉल पे। इंडिया डर गया डर गया डर गया पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी तो पहली बॉल पे विकेट ही गया था शम्मी का, इसलिए वो डर गया हट गया, मैं वीडियो बना रहा था और लोग चिल्ला भी रहे थे इंडिया अब दिलाएंगे विकेट, इंडिया इंडिया आउट, देखो आउट भविष्यवाणी है, मेरा सिस्टम हैंग हो गया, व्यू देख लो। चलो मैं जब यहाँ पे आया था मैंने बताया था ना कि शायद धर्मशाला या न्यूजीलैंड एक स्टेडियम है वो जहाँ पर प्लेन आते हैं वो अच्छा स्टेडियम है, बट अब मैं चेंज कर रहा हूँ, ये सबसे अच्छा स्टेडियम है दुनिया का। ये स्टेडियम यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन सच बता रहा हूँ अगर सामने इस सीट पे बैठे होते ना आप तो सब इससे भी अच्छा लग रहा है ये सामने से ये स्टेडियम। अब तो क्राउड इस पार्टनरशिप को तोड़ के ही रहेगी। गाइस देखो ड्रिंक्स ब्रेक हो गया, अब यहाँ से ना वो वाली कार आएगी जो दिल्ली में भी आई थी, मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें से कोई पीता तो कुछ है नहीं लेकिन बेचारी आ रही है, ये भी क्यूट सी, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को ये जब स्टेडियम में जाती है। बाकी हमारी सीट जितनी अच्छी है ना, ये जो डगआउट दिख रहा है न्यूजीलैंड का है और ये वाला जो है इंडिया का है, हमारी सीट जितनी अच्छी है एकदम पवेलियन के नीचे ही वाली सीट है हमारी यहाँ पे। बहुत जरूरत थी इस विकेट की, पहली विकेट मिल गया, अब इनको 300 से पहले रोकना है। भाई शमी ने तोड़ी है पार्टनरशिप, मैंने कहा था ना वो आज 5 विकेट लेगा, देख लो भाई 2 ले लिए इसने। रोहित भाई चेस करते थे फुल पावर, रोहित भाई एक और विकेट कुलदीप ने आउट कर दिया। बाकी फिर तो से रिव्यू लिया है लेकिन रिव्यू फ्लॉप हो जाएगा, वो आउट हो गया। अच्छा वो स्टार्ट भी कर दिया उसने चलना, बार सही है मिशेल सैंटन आउट भी हुआ क्योंकि मैं इंडिया को सपोर्ट जरूर कर रहा हूँ, बट उसके 94 हो गए तो मैं चाहता हूँ 6 रन मार के 100 तो मारी ले वो अपने, अच्छा इंसान हुआ ही मैं शमी भाई। बाकी ये देखो ये आपको टीवी में मैच दिखा रहा है इस टाइम पे, लेकिन ये वाले जो व्यू है ये तो सिर्फ मैं ही दिखा सकता हूँ, ये टीवी नहीं दिखाएगा। बताते हैं वॉशरूम गंदे हैं, देखो कितने साफ हैं, लोग वॉशरूम गंदा कहते हैं ना तो वही दिखा रहा हूँ कितने साफ सुथरे हैं, झूठ बोलते हैं भाई बंदे है ना, साफ है तो भाई जैसे आपको वॉशरूम दिखाया कितना साफ सुथरा था, देखो पानी भी यहाँ पे मिल रहा है, तो जो लोग कहते हैं ना कुछ चीजें मिलती नहीं है भाई फेक होता है, देखो सब कुछ मिल रहा है। हम बाहर आए थे अब जा रहे हैं वापस मैच देखने के लिए और पानी भाई ये क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैस्कॉट मेरे साथ अब नहीं यार धूप आ रही इंडिया जीत गए। Crazy, why crazy?